नमस्कार, मैं हूं रितेश कुमार गौतम और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है, जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कुशल नेतृत्व हरियाणा और हरियाणा वासियों के विकास को गति दे रहा है। हरियाणा के मनोहर सरकार की सार्थक सोच और मनोहर नीतियों से हरियाणा विकसित राज्य के रूप स्थापित होने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। जनता की समस्याओं के समाधान के लिए हरियाणा सरकार ने पहले सीएम विंडो की शुरुआत की और अब सरकार आपके द्वार के तहत गांव-गांव में जनसंवाद कार्यक्रम कर नागरिकों की समस्याओं का समाधान करने में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस कदम की हरियाणा की जनता सराहना कर रही है। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। सार्थक सोच और मनोहर नीतियों से हरियाणा के विकास को गति प्रदान कर रही मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश पिछले 8 सालों से नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सोच हरियाणा और हरियाणा वासियों का उत्थान करना है और इस दिशा में हरियाणा सरकार लगातार आगे कदम बढ़ा रही है, जिसका नतीजा है कि आज हरियाणा हर क्षेत्र में नंबर 1 बना है। नागरिकों के हित में काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार नीतियों के तहत विकास के काम कर रहे हैं। प्रदेशवासियों की समस्याओं के तुरंत समाधान के लिए मुख्यमंत्री ने सीएम विंडो की स्थापना की और अब जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए लोगों से जुड़ने और उनकी समस्याओं के समाधान पर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 26 अक्टूबर साल 2014 को सत्ता संभालते ही प्रदेश की दशा और दिशा बदलने की पहल की। लोगों की शिकायतों और उनकी समस्याओं के निदान के लिए अनेक नए प्रकल्पों को लागू किया। किसी भी आम नागरिक को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने सीएम विंडो की शुरुआत की। 25 दिसंबर साल 2014 को सुशासन दिवस के अवसर पर आरंभ की गई सीएम विंडो व्यवस्था लोगों को खूब रास आई। पिछले 8 सालों से ज्यादा की अवधि में अब तक 10,92,366 लोगों ने सीएम विंडो पर अपनी शिकायत भेजी, जिनमें से 10,09,591 शिकायतों का समाधान किया गया। सीएम विंडो पर समस्याओं के समाधान के साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा की जनता के बीच सरकार आपके द्वार की अवधारणा पर चलते हुए जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत की और गांव-गांव में जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सादगी और अनोखे अंदाज ने न केवल भाव विभोर किया बल्कि हरियाणा की जनता मुख्यमंत्री के इस प्रयास की सराहना भी कर रही है। हरियाणा के विकास को गति दे रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनसंवाद कार्यक्रम के तहत गांव की ओर रुख कर रहे हैं और इस कड़ी में मुख्यमंत्री ने 2 अप्रैल से 4 अप्रैल तक भिवानी जिले के 12 से अधिक ऐसे बड़े गांवों का दौरा किया है, जिनमें 4-4 सरपंच हैं। अपने इस जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने ठेठ हरियाणवी शैली में पंच परमेश्वर की तरह छोटी पंचायतों के बीच बैठकर गांव के भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सार्थक सोच और कुशल नेतृत्व में हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बना है जहां पंचायतों में महिलाओं को 50% तक प्रतिनिधित्व मिला है। साथ ही हरियाणा राज्य पढ़ी लिखी पंचायत वाला भी पहला प्रदेश बना है। तो वहीं आज हनुमान जन्मोत्सव है और देश के कोने कोने में हनुमान जयंती के रूप में इसे मनाया गया। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर हनुमान जयंती के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी। चलिए देखते हैं मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में क्या लिखा है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट में लिखा, परम राम भक्त और निष्काम भक्ति, अपार शक्ति व समर्पण के प्रतीक संकट मोचन हनुमान जी की जयंती पर समस्त देशवासियों को अनंत शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने आगे लिखा, मारुति नंदन आप सभी को बल बुद्धि एवं उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें, ऐसी उनसे प्रार्थना करता हूं। जय बजरंग बली। एक बेहतरीन सरकार और उमदा शासन व्यवस्था का परिचय यही है कि उस प्रदेश में विभिन्न सुविधाओं और सेवाओं का लाभ सबसे निचले स्तर पर गरीब और जरूरतमंदों तक पहुंचे। हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि प्रदेशवासियों को हर एक योजना का लाभ मिल सके। इस कड़ी में मनोहर सरकार की ओर से परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की गई है। इस योजना के जरिए लाभार्थियों का चयन सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के आधार पर किया जाता है। पात्र नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ परिवार पहचान पत्र के जरिए मिल रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक कुशल सरकार और एक बेहतरीन शासन व्यवस्था की पहचान ये होती है कि उसे समस्त नागरिकों के लिए उपलब्ध विभिन्न सेवाओं और योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच सके। इसे सुनिश्चित करने का कार्य एक कुशल नेतृत्व वाली सरकार ही करती है। यहाँ ये भी सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि पात्र नागरिकों तक प्रदान की जाने वाली तमाम सेवाएं और सुविधाएं उन तक समय पर ही पहुंच सके। हरियाणा सरकार ने पिछले 8 वर्षों में इस दृष्टि से एक सुशासित व्यवस्था को विकसित किया है। प्रदेश के हर एक नागरिकों को सरकार की ओर से चलाई जा रही तमाम योजनाओं का लाभ देने के लिए हरियाणा सरकार ने सुशासन की दिशा में कई कदम उठाए हैं। सरकार ने इसके लिए परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की है, जिसके जरिए आज लाभपात्र नागरिकों तक पहुंचना शुरू हो गया है। परिवार पहचान पत्र हरियाणा में रहने वाले लोगों के लिए सुनिश्चित करता है कि सभी लाभार्थियों को केंद्र और राज्य सरकार की सेवाओं और योजनाओं का लाभ मिलता रहे। मेरा परिवार मेरी पहचान के तहत लाभार्थियों को चयन सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के आधार पर पात्र किया जाता है। नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं के लाभ मिल सके, इस योजनाओं के तहत राज्य के लाखों परिवारों को लाभान्वित हुए हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार परिवार के विशिष्ट पहचान पत्र में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार परिवार के पात्रता की पता लगाएगी और फिर परिवार को सभी सेवाओं और योजनाओं का लाभ प्रदान करेगी। हरियाणा परिवार पहचान पत्र के तहत लाभार्थी का पूरा ब्यौरा दर्ज होगा। इस योजना के तहत हरियाणा के प्रत्येक परिवार के लिए 14 अंकों का विशिष्ट पहचान पत्र तैयार कर प्रत्येक परिवार को प्रदान किया जाता है। ये 14 अंकों के पहचान पत्र एकल और संयुक्त दोनों तरह के परिवारों के लिए तैयार किए जाते हैं। हरियाणा परिवार पत्र के जरिए प्रदेश के सभी परिवारों का एक प्रमाणिक, सत्यापित और विश्वसनीय डाटाबेस तैयार किया जाता है। ये कार्य पूरा हो जाने के बाद नागरिक केंद्रित सेवाओं का पूर्ण रूप से वितरण किया जा सकेगा। साथ ही एक व्यवस्थित प्रणाली होने से सेवाओं और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में सभी पात्र लोगों को लाभ पहुँचाना हरियाणा की मनोहर सरकार का दायित्व है कि सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। हरियाणा की मनोहर सरकार ने इस दिशा में बेहद सराहनीय कदम उठाए हैं। समाज के पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को लेकर सरकार बेहद संजीदा दिखाई दे रही है। ऐसे लोगों के लिए योजनाएं और उन योजनाओं के फायदे पात्र लोगों तक पहुंचने के लिए भी सार्थक कदम उठाए गए हैं। हरियाणा सरकार राज्य में प्रत्येक परिवार को विशिष्ट पहचान पत्र प्रदान करने के लिए परिवार पहचान पत्र पोर्टल meraparivar.haryana.gov.in लॉन्च किया है। ये पोर्टल सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके लोगों को पारदर्शी और सरल तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ देने की सुविधा प्रदान करेगा। इस ऑनलाइन पोर्टल के जरिए प्रदेश के लोग परिवार पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसका लाभ उठाने के लिए उपस्थित हमारे कार्ड धारक बंधु, अन्य सभी उपस्थित सज्जनों वृंदा, जैसा बताया गया भूमिका में कि जब हम सरकारी कामकाज को देखते हैं, केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की बहुत सी ऐसी योजनाएं होती हैं, स्कीम्स होती हैं, जिनको बनाया तो जाता है, बजट के समय घोषित किया जाता है, उसको पहुंचाने के लिए अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी भी होती है, लेकिन ध्यान में ये आया है कि सभी विभाग इंडिपेंडेंटली अपना अपना काम करते हुए, सब डाटा उनका अपने अपने विभागों का अलग अलग होता है,
और फिर मैनुअल तरीके से वो चीजें आगे नीचे तक ले जाने का प्रयत्न किया जाता है, लेकिन शिकायतें भरमार होती हैं। पात्र व्यक्ति को स्कीम का लाभ मिलता नहीं है और कई बार अपात्र व्यक्ति उस स्कीम का लाभ ले जाते हैं, या कभी कभी डुप्लीकेसी बहुत हो जाती है। एक ही व्यक्ति जिस स्कीम का लाभ नहीं लेना चाहिए उसका ले लेता है और कई बार तो डबल डबल भी ले लेता है। जितनी स्कीमें हैं इनका सब लाभ योग्य व्यक्तियों तक ठीक से पहुंचा दिया जाए, समाज का जो पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति या अंतिम परिवार, तो स्कीमें इतनी हैं कि मैं समझता हूं बहुत जल्दी गरीब समाज का जो उसकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति, उसके हित की चिंता, ये सब हम कर सकते हैं। उसी में से ये विचार आया था कि क्यों ना आज टेक्नोलॉजी के समय में जो जिस प्रकार प्रौद्योगिकी विकसित हो रही है देश और दुनिया में, इसका लाभ उठा करके क्या हम सब व्यक्तियों की सब परिवारों की गिनती करके एक जगह नहीं रख सकते और उसका डायनेमिक डाटा नहीं बना सकते। हमारी बहुत स्कीमें होती हैं 10 साल का पिछला जो डाटा होता है उसके ऊपर चलती रहती है। SECC डाटा 2011, उस समय कोई डाटा बन गया होगा, वो ठीक बना गलत बना, आज जो नई स्कीम है उसके आधार पर देते हैं। केंद्र सरकार की ओर से एक निर्देश है, हमारा भी उसमें कोई ऐसा दोष नहीं, लेकिन इसको क्या हम डायनेमिक डाटा बना करके 10 साल में तो बहुत परिवर्तन हो जाते हैं। एक सामान्य गरीब परिवार काम धाम से नौकरी से अपने उद्यम से आगे बढ़ सकता है, शायद उसकी आशा आज नहीं रही 10 साल पहले थी, और 10 साल पहले कोई अच्छा परिवार था, संपन्न परिवार था, कोई कारण बन गए होंगे, आज उसकी आवश्यकताएं बढ़ गई, उसको आज कुछ नहीं मिलता है। तो इस सारे में अब उस डायनेमिक डाटा को तैयार करने के लिए इस विषय की शुरुआत की थी। मेरा परिवार मेरी पहचान, ये हरियाणा सरकार की वो अनूठी पहल है जो नागरिकों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई है। इस योजना के लागू होने से बिचौलियों की गुंजाइश जड़ से समाप्त हो गई है। ये एक बहुआयामी योजना है जिससे अनेकों सुविधाएं और सुगमताएं जुड़ी है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं, इससे विभिन्न आवेदन प्रक्रियाओं में और तेजी आएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन में आसानी होगी, पात्र जन चिकित्सकीय योजनाओं से स्वतः जोड़ सकेंगे, पात्र लोगों की राशन कार्ड आसानी से जारी हो सकेंगे, पात्र लोगों को विभिन्न पेंशन सुविधाओं के दायरे में लाया जा सकेगा, व्यवस्था और नागरिकों के बीच पारदर्शिता कायम होगी, अधिक पात्र लोगों को समाज कल्याण योजनाओं का लाभ मिल पाएगा, लाडली और विवाह शगुन योजनाओं का भी लाभ मिलेगा, कृषि व बागवानी से जुड़े सब्सिडी पात्र लोगों तक पहुंच पाएगी, परिवार के लापता सदस्यों को ट्रैक कर पाने में मददगार साबित होगा, सरकारी नौकरियां पाने में सहायक सिद्ध होगा, विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं हासिल करने में मददगार होगा, उन सेवाओं का लाभ मिल सकेगा जिसके लिए सिर्फ प्रदेश के नागरिक ही पात्र है। ये सरकार की वो महत्वाकांक्षी योजना है जिससे हरियाणा प्रदेश की गवर्नेंस छवि को देश भर में ख्याति मिल रही है। इस योजना के लिए सॉफ्टवेयर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसकी मदद से आपको एक जगह बैठे हुए सारी जानकारी बेहद सरलता से उपलब्ध हो सकेगी। इसमें अगर आपको खुद से जुड़ी किसी अपलोडेड जानकारी में गलती नजर आ रही है या आप उसमें किसी तरह का बदलाव करना चाहते हैं, तो आपको किसी केंद्र के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे बल्कि पोर्टल सभी जानकारियों को अपलोड कर देगा। यहाँ तक कि अगर किसी लड़की का विवाह होता है तो पोर्टल के जरिए लड़की का नाम पिता के परिवार से हटाकर पति के परिवार में जोड़ दिया जाएगा। राज्य के नागरिकों को परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा प्रदान कर रही है। राज्य के लोग बड़े ही आसानी से घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से परिवार पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से राज्य के नागरिकों को रजिस्ट्रेशन की सुविधा इसलिए दी जा रही है कि ताकि उन्हें कहीं जाना न पड़े। इस ऑनलाइन पोर्टल का उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रिया को गति देना और अधिक से अधिक लोगों को इस योजना से जोड़ना है। इस कार्यक्रम के तहत हर नागरिक और हर परिवार डेटा जाता है जिसका इस्तेमाल लोगों के जरूरत के हिसाब से योजनाएं बनाने के लिए किया जाएगा। इतना ही नहीं, आत्मनिर्भर हरियाणा
कार्यक्रम के तहत भी इस डेटा का उपयोग किया जा सकेगा। परिवार पहचान पत्र योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? इस योजना से लाभ उठाने के लिए आवेदक को सबसे पहले परिवार पहचान पत्र योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा। इस पोर्टल पर राज्य के लोग देख सकते हैं विकलांगता, विधवा, वृद्धावस्था, पेंशन योजनाओं के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे लागू किया जाए। इसके अनुसार CSCS के ऑपरेटर फिर पेंशन योजनाओं की आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। परिवार पहचान पत्र परिवर्तन का एक बड़ा माध्यम साबित हो रहा है, क्योंकि ये न केवल सरकार जनता के बीच की दूरी को खत्म करेगा, बल्कि सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के जरिए ये लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रभावी और कुशल वितरण भी शुरू करेगा। हरियाणा सरकार लगातार प्रदेश के हित में कई योजनाएं चला रही है, ताकि जनता को हर एक योजनाओं का लाभ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो वहीं पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की आज पुण्यतिथि है, जो कि भारतीय राजनीति के बड़े नेताओं में शुमार रहे। किसानों के मसीहा, महान स्वतंत्रता सेनानी, हरियाणा के जन्मदाता और करोड़ों भारतीयों के जननायक थे। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर उन्हें नमन किया। चलिए देखते हैं मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है। मुख्यमंत्री ने लिखा, भारत के उप प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री पद पर रहे किसानों के मसीहा, महान स्वतंत्रता सेनानी चौधरी देवीलाल जी की पुण्यतिथि पर उन्हें मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हरियाणा की प्रगति में उनका योगदान सदैव याद रखा जाएगा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के किसानों के हित में कई कदम उठा रही है, ताकि प्रदेश का किसान समृद्ध हो सके। और इस कड़ी में हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना भी शुरू की। इसके तहत कई पहल प्रदेश सरकार ने की है, जिसमें से एक है सूक्ष्म सिंचाई योजना। और इस योजना के अंतर्गत किसानों को हर खेत तक पानी पहुंचाना सरकार का मकसद है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा प्रदेश मेहनत कश भूमि पुत्रों की वो धरती, जिस पर वो अपनी कड़ी मेहनत से भरपूर अन्न उपजाते हैं। कृषि प्रधान प्रदेश होने के नाते हरियाणा प्रदेश का अपना ही मान है, लेकिन इन बीते दशकों में प्रदेश के कृषकों को खेती बाड़ी के काम में कई तरह की समस्याएं भी झेलनी पड़ी। इसमें फसलों की सिंचाई सबसे ज्यादा परेशानी का कारण रहा। भौगोलिक दृष्टिकोण से हरियाणा प्रदेश में प्राकृतिक जल संसाधन के स्रोत सीमित है। प्रदेश के किसानों को लंबे समय तक सिंचाई के लिए भूजल स्तर में सुधार लाना और कृषि के उपयोग में लाई जाने वाली पर्याप्त जलापूर्ति करना सरकार के लिए अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन जो बीड़ा मनोहर सरकार ने उठाया उसे पूरा किया जाना भी बेहद जरूरी था। लिहाजा सरकार ने इन वर्षों में कुछ ऐसे बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए जो अब तक देश में किसी भी राज्य में नहीं अजमाए गए थे। हरियाणा सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को धरातल पर उतारा, ताकि प्रदेश के किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। खेती बाड़ी में नहरी या ट्यूबवेल के जरिए परंपरागत फ्लड इरिगेशन सिस्टम की तुलना में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। दरअसल फ्लड इरिगेशन सिस्टम से जहां एक ओर भूजल का अत्यधिक दोहन होता है, वहीं पानी की खपत भी अधिक रहती है। भविष्य में जल संसाधनों की आवश्यकता को देखते हुए सूक्ष्म सिंचाई परियोजना हरियाणा सरकार की दूरदर्शी सोच और सिंचाई प्रबंधन की एक बेहतरीन विधि साबित हो रही है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में कम पानी से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। इस प्रणाली में पानी को पाइपलाइन के जरिए जल स्रोत से खेत तक पानी पहुंचाया जाता है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाकर 30 से 40 फीसदी तक पानी की बचत होती है। इस प्रणाली से सिंचाई करने पर फसलों की गुणवत्ता, उत्पादकता में भी सुधार होता है। सरकार भी प्रति बूंद अधिक फसल मिशन के तहत फवारा व टपका सिंचाई विधि को बढ़ावा दे रही है। हरियाणा सरकार किसानों को हर एक बुनियादी ढांचे मुहैया कराती है। पाइपलाइन बिछाना, भंडारण टैंकों का निर्माण और सोलर पंप निशुल्क मुहैया कराना, 95% तक सब्सिडी, खेतों में ड्रिप और स्प्रिंकलर सूक्ष्म सिंचाई यंत्र भी उपलब्ध,
सिंचाई परियोजना की रखरखाव और साफ सफाई के काम के लिए विभाग को सरकार की तरफ से मनरेगा मजदूर मिलते हैं। वो साफ सफाई का काम समय समय पर करते रहते हैं। प्रदेश के किसान इन परियोजनाओं से खुशहाल हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में नहरों का पानी हर खेत तक पहुंच रहा है। पानी की कहीं पर कोई कमी नहीं रहती। ज्यादा पानी की आवश्यकता धान की फसल में होती है, इसके लिए भी सरकार हर तरह की सुविधा प्रदान कर रही है। हरियाणा की मनोहर सरकार के इस दूरगामी सोच से प्रदेश के खेतों में नहर का पानी वक्त पर पहुंच जाता है। समय समय पर विभाग की ओर से साफ सफाई करवाई जाती है। कहीं पर कोई मेंटेनेंस का काम करना हो तो उसका भी काम विभाग के द्वारा समय समय पर किया जाता है। सरकार की सिंचाई परियोजना के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए प्रदेश में किसानों को जागरूकता शिविरों का भी आयोजन किया गया, ताकि किसानों को उसकी महत्ता और इससे होने वाले फायदों के बारे में जागरूक किया जा सके। कृषि में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की विधि अपनाने वाले किसान इससे संतुष्ट हैं, क्योंकि इस विधि के जरिए जरूरत के मुताबिक पानी की सिंचाई के प्रयोग में लाना मुमकिन हो पाया है। जबकि पहले फ्लड इरिगेशन की विधि से बहुत सा पानी बर्बाद हो जाया करता था, और इसी भूजल दोहन की वजह से जल स्तर में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। हरियाणा सरकार के इस तरह के प्रयासों का ही नतीजा है कि आज कुशल जल प्रबंधन से सिंचाई के लिए पर्याप्त जल की बेहतर व्यवस्था हो पाई है। हरियाणा प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से शुष्क और कम जल की उपलब्धता वाले प्रदेशों में गिना जाता है, जहां इन वर्षों में मनोहर सरकार ने भूजल दोहन को नियंत्रित कर जलस्तर बढ़ाने, वर्षा जल को बचाने, खेती में सिंचाई के पुराने परंपरागत तरीकों के स्थान पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को प्रचलित करने, किसानों को कम पानी वाली फसल बोने के लिए प्रेरित करने के साथ साथ नहरों के टेल तक पानी पहुंचाने और मॉनसून में नदियों के अतिरिक्त जल को भी प्रयोग में लाने जैसे अनेकों अनेक सार्थक प्रयास किए हैं, जो हरियाणा सरकार की कुशल प्रबंधकीय व्यवस्था और उसकी सार्थक होती दूरगामी सोच को परिभाषित करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात आज के विजेता की, जैसा कि आप जानते हैं हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी। इसका सही जवाब है 1 मई 2016। ढेरों जवाब आए, लेकिन हमारे विजेता हैं चंडीगढ़ से मंजीत राणा। मंजीत, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता। और अब वक्त है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं और उनके कार्य प्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं और जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसी ही शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की। इनका नाम है यशबीर सिंह, जो कि यमुनानगर से सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के पद पर काबिज हैं। सुनिए। फिलहाल यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में हमारी अभी जो सरचार्ज वेवर स्कीम जो पहले दिसंबर तक थी, 31 दिसंबर तक, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है सरकार ने, और वो 31 मार्च तक है। तो आज 22 तारीख है, तो अभी 9 दिन है। तो आप लोगों के माध्यम से मैं लोगों तक ये चीज़ पहुंचाना भी चाह रहा हूं कि वो सरचार्ज वेवर का, ब्याज माफ़ी स्कीम का जितना बेनिफिट ले सकें उतना लें। दूसरा, अभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, हमारा टोटल 13 सब डिविजन्स हैं यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में। 13 में से 11 सब डिविजन्स ऐसी हैं जिनमें रूरल एरिया है, और रूरल और अगर अर्बन को सेग्रीगेट करें तो अर्बन में सारा एरिया RAP DRP के अंदर कवर्ड था, बट रूरल में ये अभी तक RAP DRP में कवर नहीं हुआ था। अब फिलहाल RAP DRP में हमारा टोटल यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट आ चुका है। RAP DRP से मतलब ये है सारा हमारा सिस्टम जो है कंप्यूटराइज्ड, जनरेशन ऑफ बिल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिल्स, सारा वो कंप्यूटराइज्ड होगा, और उसके अंदर लोगों को जो समस्याएं, जो निवारण है उनका, जो बिलिंग का जो त्रुटियां हैं वो कम होंगी, काफ़ी बिलिंग प्रॉब्लम्स का काफ़ी हद तक सॉल्यूशन हो जाएगा उसमें। तो अब ये हमारा, क्योंकि बिल इस वजह से जब माइग्रेशन हो रहा था नॉन RAP DRP से RAP DRP में, तो उस दौरान बिलिंग भी हमारी बंद थी, अब शुरू हो चुकी है। तो ये पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए बड़ा अच्छी सौगात है सरकार के द्वारा जो दी जा रही है। इसमें किस्तें बन सकती हैं, 3 इंस्टॉलमेंट आप लोग ले सकते हैं, बट उसमें आपको पूरा कंप्लीट बेनिफिट जब भी मिलेगा जब आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगी। अगर वन टाइम आप वन गो में अगर आप पेमेंट करते हैं तो उसके इसमें 5% का आपको एडिशनल, पूरे अमाउंट के ऊपर आपको एडिशनल बेनिफिट मिल जाएगा।
और अब वक्त है आज के सवाल का, चलिए जान लेते हैं आज का सवाल क्या है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए हम नजर डालते हैं आज के सवाल पर। मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना का शुभारंभ कब किया गया था? ए 4 अगस्त 2021, बी 5 अगस्त 2020, सी 6 अगस्त 2022, डी 8 अगस्त 2019। तो दीजिए सही जवाब और बढ़िए विजेता। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।